क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा सफर कैसे तय किया, कितना बड़ा चैलेंज था और कितनी खुशी मिल रही है आपको? वेल फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर द विशेस एंड लंबा सफर हम सब ने तय किया है और जो हमारे सर हैं, जो हमारे रियल लाइफ की निमकी हैं, वो उनको पता है कि हमने कितना लंबा कैसे सफ़र तय किया और मुझसे ज़्यादा तो इन्होंने किया है। थैंक यू फॉर द विशेस फर्स्टली फॉर टू आवर एपिसोड्स एंड जहाँ तक लंबा सफ़र तय करने की बात है तो वो हम सब ने एज अ टीम किया है और हमसे ज़्यादा इन्होंने किया है। जो हमारी रियल लाइफ की इंस्पायर्ड निमकी है वो ये है, जो हमारे लेखक और प्रोड्यूसर हैं ज़मा हमीद जी। तो आई थिंक आप इनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे वे में आपको बताएंगे कि कितना लंबा सफ़र रहा था। सर बीइंग अ टीम प्रोड्यूसर इज नॉट ईजी टास्क, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आप बताइए कि ये शो का कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छा क्यों लगा कि आपने मतलब चैलेंज लिया कि आप ये शो बनाएं और इतना लंबा सफ़र जो तय किया उसके बारे में बताइए कि कैसे तय किया? ये शो सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा फैमिली ड्रामा नहीं था और हाँ और सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा टी वी पर बहुत कम आता है। तो कोशिश ये थी कि मतलब बाकी जो टिपिकल अपना फैमिली ड्रामा हम देखते आए हैं काफ़ी साल से और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस थोड़ी बोर भी हो रही थी और एक समाजी तौर पे मुझे एज राइटर आल्सो आई फील कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट आना चाहिए जिससे इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ हम अपनी दुनिया को अपने सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ सकें। तो ये इस वजह से ये सब्जेक्ट मैंने चुना था और उसमें यस मतलब हम उस ऑडियंस को नहीं छोड़ सकते हैं जो फैमिली ड्रामा भी देखना चाहती है। तो इसलिए एक फैमिली की कहानी को सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा के साथ मिक्स करते हुए ये कहानी हमने बनाई थी। तो ये जो लीड स्टार का उसकी बात करते हैं, मैम का जो चुनाव किया आपने तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें भी जद्दोजहद हुआ क्योंकि इतना आसान नहीं था ये कैरेक्टर प्ले करना, एक बिहारी कैरेक्टर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होना पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा ये बड़ा मतलब मैं शायद फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी पड़ी थी। मैंने भूमिका का एक किसी दोस्त ने मुझे फ़ोटो दिखाया और फोटो देख के ही मैंने भूमिका को चुन लिया और उसके उसी डे वन से हमारा मेरी तरफ से ये डिसाइडेड था कि भूमिका विल बी द निमकी। और इत्तेफाक से उसके दो तीन दिन के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम इससे मिले और बातचीत की और वो डिसाइडेड हो गया। मैंने चैनल में शेयर किया और चैनल ने भी इमीडिएटली कहा कि यस ग्रूम हर, लेट अस सी। एक टास्क था कि शी इज़ फ्रॉम हिमाचल एंड बिहारी कैरेक्टर प्ले करना बड़ा मुश्किल था, ख़ास तौर से डायलेक्ट को समझना बड़ा मुश्किल था, वो एक्सेंट को समझना मुश्किल था। तो वी वर्कड ऑन ऑलमोस्ट 4-5 months टुगेदर एंड शी आई मस्ट से शी हैज़ रियली रियली वर्कड हार्ड। जो रीजनल डेलीकेट यूज़ किया गया है जिस तरह से रियलिस्टिक किरदार को क्या कहना चाहेंगे, कितना रिसर्च किया या कितना ज़्यादा मुश्किल था उस किरदार को निभाना? मैं एज सर ने बताया आपको कि ऑलमोस्ट 5-6 months हमने काम किया इस पर, हमने मुझसे ज़्यादा आई थिंक इन्होंने काम किया कि मुझे कैसे सिखाए, बिकॉज सिखाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड मुझे रेफरेंस दिए जाते थे कि कुछ मूवीज़ के और यू नो जहाँ पे डायलेक्ट है, जहाँ पे वो टोन है, तो उनको देख देख कर इनके जो फ्रेंड है जिन्होंने मुझे रेफ़र किया था सर को, उनके साथ मैं बैठ के बहुत सारे यू नो मैंने बहुत सारे सेशंस लिए जहाँ पे कि कल्चर क्या है, बात कैसे करते हैं एंड इनफैक्ट एंड में आके जब व्हेन आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई हैड ओनली हिम टू मेक मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो एंड में जब इन्होंने मुझे अपने टर्म्स में समझाया कि निमकी ये है, तब जाके आई थिंक मुझे वो क्लिक हुआ कि धीरे धीरे मुझे इन्हीं से हर एक चीज़ क्यों मिलता है। अगर कोई भी आज सीन लिख के आता है मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मैं इसको कैसे करूँ, तो मैं उन्हें एक कॉल करती हूँ, मैं पूछती हूँ मैं करूँ कैसे इसको। तो मुझे एक जो एक अपना एक आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बींग अमेजिंग राइटर एंड प्रोड्यूसर ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर जमा सर, एक्चुअली ही इज़ अमेजिंग। ये सिर्फ निमकी के रोल की बात नहीं है बट एवरी कैरेक्टर जो उन्होंने लिखे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैच हिज लेवल बट आई होप दैट वी आर जस्टिफाइड। एकदम सही बात हो रही है। मतलब एक्चुअली मुझे याद है मिर्ज़ापुर में हम बैठे थे और एक सीन हमारा शूट होना था नेक्स्ट डे, तो और हमको एक रात पहले सर ने अपने रूम में बुलाया और हमको बता रहे थे कि वो कैसे करना, और सर ने इतने अच्छी तरह इनैक्ट करके बताया, मैं उनको देख रहा मैंने कहा सर आप ही करो बहुत अच्छा करते हो। तो ही इज एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग एक्टर मतलब आई थिंक ही इज एन ऑलराउंडर बिकॉज जिस तरह वो लिखते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग करते वक्त ही एटलीस्ट आधा घंटा वहीं वेस्ट करते हैं हंसते हंसते कि क्या लिख के आया है, कमाल है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी डू इट
वी ट्राई टू डू इट एट अवर बेस्ट, बिकॉज वो जस्टिफाई करना होता है कि जो लिख के आए हम वैसे ही कुछ करें, बट कभी कोई नहीं हो पाता है, कभी कभी हो जाता है. सो एंड हाउ लाइफ हैज चेंज, कितना बदला है जिंदगी, आगे चल के किस तरह किरदार निभाना चाहेंगे, इसी तरह के रियलिस्टिक रोल जो एक इन्फ्लुएंस करें सोसाइटी को, किस तरह? अभी तो ये करने दो ना. एंड ये हम लोग काफी टाइम तक करना चाहेंगे दिल से, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमको दूसरा कैरेक्टर बहुत जल्दी ना मिले, हम यही करते रहे. और नहीं नहीं मिले मिले बहुत जल्दी ना मिले, जी के जाए अच्छे से, इसको अच्छे से जी के जाए, बिकॉज दिस शो डेफिनेटली इज अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी, बिकॉज दिस हैज डेफिनेटली चेंज माय लाइफ. And also as an actor, it's you know, given me a lot of appreciation, जो पहले शायद इतना limelight में नहीं आया, but मुझे अच्छा लगता है. I feel that I am acting, you know, for the first time I feel I am acting, and it's all because of this man right here next. Thank you. 200 episode complete करना आसान बात नहीं है, as you know, definitely it takes a lot of writing skills, acting, lot of hard work, because the audience, keeping them engaged. वो मतलब कहते हैं ना कि 26 एपिसोड ऑडियंस को एंगेज रखना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे तो 200 एपिसोड कर लिए हैं लोगों ने. सो इट्स रियली रियली कमेंडेबल एंड ऑल द बेस्ट टू निम्की मुखेंदी एंटायर टीम. सो डू यू थिंक द एंटरटेनमेंट इज नॉट द ओनली द थिंग वी शुड बी यू नो कैटर टू द पीपल, एक सोशल अवेयरनेस या एक सोशल मैसेज होना चाहिए, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट है या और भी काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो कि डेफिनेटली, आई मीन अ कम्प्लीट एंटरटेनर इज वैन यू इंक्लूड सोशल इशूज़, यू नो, वो जो आप अगर सीड इन करते रहते हो अपने स्टोरी लाइन में तो इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स the audience, it makes a difference, you can do social change, so I am completely for it, I'm for it. And what about you, working in any project, you're working in any project, any film or any? I'm around, you can see me, abhi Ishqbaaz chal raha hai, aapko jaise pata hai, and I've got a feature film releasing with the Mahesh Bhatt camp called Jalebi. So you can look out for that. And even short films and web series are making around. I mean, they're creating a new wave. What do you have to tell about the actors who are, you know, aspiring to create a mark? How beneficial is web series and short films for them? देखिए, an actor is an actor is an actor. वो चाहे वो theater कर रहा हो या film या serial या जो भी है, because ultimately you're playing a character who you are not. तो मेरे हिसाब से आज काम बढ़ गया है because of so many things happening, and it's a very good time for actors. बहुत अच्छा वक्त है एक्टरों के लिए, and I think it's the best thing that's could be happening to our industry at this point. Thanks. All right, thank you. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शो से दर्शक मनोरंजन पा रहे हैं, मनोरंजन मिल रहा है, तो हमें भी उनको एंटरटेन करने में अच्छा लग रहा है. हर एक कैरेक्टर अपने आप में बेमिसाल है, जैसा कि आप सब दर्शक देख रहे हैं, तो वो डायलॉग से लेके हमारे परफॉर्मेंस से लेके, और सबसे जो सर हमारे जमा सर प्रोड्यूसर जो राइटिंग करते हैं, इतना बखूबी लिखते हैं कि जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो खिल जाता है पूरा कैरेक्टर. तो हमारी यही चाहत है, हमारी यही विश है कि ये शो ऐसे ही चलता रहे और हम अपने दर्शकों को खूब इंटरटेन करते रहें, हंसाते रहें, थोड़ा सीरियस भी. और ये खासियत ये भी है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ इसमें मैसेज भी है हमारे शो में, तो वो मैसेज भी मिलता रहता है बीच बीच में हमारे दर्शकों को हमारे शो के जरिए. तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा USP फाइंड किया, क्या USP फाइंड किया अपने शो में जो आपको डिफरेंट लगा और शो का, क्योंकि शोज तो काफ़ी सारे हैं, तो USP क्या फाइंड किया जो काफ़ी डिफरेंट है इसमें अगर देखा जाए तो? USP ये है कि जो हमारी USP ये है कि जहाँ से ये स्टोरी उठाई है सर ने, बिहार से, और बिहार की जो एक संस्कृति है, परंपरा है, जो माहौल है, जिस लहजे में हम वहाँ पे बातें करते हैं एक दूसरे से, कैसे पड़ोसी के साथ, अपने अगल बगल के लोगों के साथ कैसे हमारी बॉन्डिंग होती है, एक फैमिली के साथ के जैसे हम लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें निकल के आती है. ये नहीं दिखता कि वो पड़ोसी है तो वो पड़ोसी है, ये घर वाला है तो घर वाले, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे शो की USP है. और हमारा जो डायलॉग है वो USP है हमारे शो की, निम्की जो बोलती है, चाहे डुमरी वाली चाची बोलती है. ये भी जानना चाहूँगा कि शो का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करना होता, सोशल मैसेज या सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, ये कितना ज़रूरी है, और आगे चल के क्या कहना चाहेंगे शोज़ में किस तरह के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अराइज किया जाए? सोशल मैसेज तो होने ही चाहिए हर शोज़ में, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जो TV देखती है घर, वो हॉल में नहीं जाना पसंद करती है, या गाँव में भी TV के माध्यम से वो फैशन भी देखते हैं, मैसेज भी देखते हैं, तो हर शो में एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, इंटरटेनमेंट है, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज तो होना ही चाहिए सोसाइटी. व्हाट अबाउट योर प्रोफेशनल एंगेजमेंट, कहाँ प्रोफेशनली आप एंगेज हैं, व्हाट आर यू डूइंग?
मैं तो अभी निमकी मुखिया कर रही हूँ और मैं भोजपुरी फिल्में भी काफ़ी करती रहती हूँ. तो वो भी हमारे जून में भी है, एक अभी तुरंत ख़त्म हुआ है ये भी है, और बीच बीच में मैं क्राइम पेट्रोल भी करती रहती हूँ. थैंक यू सो मच. मैम क्या कहते हैं कि 200 एपिसोड में इस शो के निमकी मुखिया गए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के जमाने में इतने सारे शोज हैं और यू नो शो को यस फिंगर्स क्रॉस्ड. और ये तो सिर्फ 200 एपिसोड है, वी स्टिल मतलब एक बहुत टाइनी बेबी हैं हम, और अभी बहुत सारे ऐसे कितने ही हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स और एपिसोड्स होते जाएँ, और बहुत जल्दी लाइक ऐसे लग रहा है हम कल ही आए थे, अभी 100 एपिसोड्स हुए थे या जस्ट लॉन्च हुआ था, एंड बहुत जल्दी वक्त गुजरा, बट इट्स बिन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. तो अनुभव बताइए कैसा अनुभव था, और बताइए जो शो है और जो कैरेक्टर्स हैं ये काफ़ी यू नो ग्राउंडेड हैं रूरल बैकग्राउंड के, इट मैट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्ले द कैरेक्टर एज सच. डिफिकल्ट ऐसे नहीं मैं बोलूँगी, बिकॉज मेरा कैरेक्टर जो है वो वैसे भी बहुत सटल है. मैं माई फादर वॉज फ्रॉम बिहार, तो एक हल्का सा वो टच मुझे पता है, आई एम फेमिलियर विद इट, ऑल्दो माई मॉम इज़ अ सरदारनी, तो थोड़ा एक वो है. इस शो की बहुत यूनिक बात यह है जो जमा सर ने लिखी है, आप हमारे शो में कोई गिड़गिड़ाती हुई अबला नारी नहीं देखेंगे, कोई टॉर्चर नहीं हो रही है. निमकी की जो सिचुएशन है उसमें रहते हुए भी वो हम सबको नचा डालती है, बट वो ऐसा नहीं दिखाया है कि रिग्रेसिव, यू नो दैट सास बहू की सास सता रही है तो बहू रो रही है और मंदिरों में जाके मन्नत मांग रही है. हम सब एक प्रोग्रेसिव, ऑल्दो हम बहुत छोटी जगह रह रहे हैं, वो कुरसावापुर एक छोटा सा गांव जैसा है, बट सोच प्रोग्रेसिव है. वो सोच हमारी नहीं है, एक्चुअली जमा सर की है. वो जो दिखाना चाहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरीके से, कुछ लोग हैं जो उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे प्रॉबेबली अभी निमकी है या स्वीटी है फॉर सम यू नो टू सम एक्सटेंट, बट वो जिस तरह से उस चीज़ को दर्शाते हैं, हर जो फीमेल कैरेक्टर, बिकॉज डेली सोफ में आई थिंक वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे शो की जो वुमेन हैं बिल्कुल भी वो उस तरह की बेचारी और तो है ही नहीं, देयर ऑल ऑल हैव दैट स्पंक और एटीट्यूड है. और निमकी को ही देख लीजिए, मतलब कहीं से कोई कह नहीं सकता कि उस पर कोई अत्याचार हो रहा है जिससे वो परेशान है, मतलब उस तरह का एक जो गो गेटर विनर वाला एटीट्यूड है वो सब में दिखाते हैं. यू नो नॉट इज काफ़ी सारी जो टेलीविजन एक्ट्रेस हैं यू नो बॉलीवुड में आ रही हैं, अभी आप मोहन रॉय को देखो, साफी तनवर हैं, क्या कहना चाहेंगे टेलीविजन मीडियम से जुड़ना इज समथिंग सेटिस्फैक्ट्री और के बॉलीवुड इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री अगर आप कुछ अलग कॉन्टेंट वाले शोज करते हैं, एंड नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ निमकी मुखिया, बट ऑनेस्टली एंड वेरी जेन्युइनली स्पीकिंग इसका कॉन्टेंट अलग है, ये तो अलग टाइप का शो है, समझ में आता है, इट्स रियली डिफरेंट. मतलब बहुत डीप से डीप बात भी वो जो ह्यूमर के अंडर करेंट में बोल जाते हैं जमा सर, वो हर शो में नहीं दिखाई जाती है, उतनी लेयर्स ही नहीं दिखाई जाती हैं किसी किरदार की. तो इस तरह के शोज़ मिले तो मज़ा आता है करने में, नहीं तो बहुत रन ऑफ द मिल शोज़ करो तो लगता है यार फिल्म मिलनी चाहिए, बट इस शो में ऐसा नहीं लगता. इट्स एंड जो मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, एक सटल संभला हुआ बट अपने अंदर ही अंदर बहुत टर्मोइल में जीती है, तो उस तरह का कैरेक्टर है. एंड व्हाट्स इन द फ्यूचर पाइपलाइन, क्या करना चाह रही, मतलब इस शो से जुड़ी रहेंगी कि आगे कुछ क्या? अरे बिल्कुल, जब तक ये शो चलेगा मैं जुड़ी रहूँगी, बिल्कुल जुड़ी रहूँगी, बिकॉज इस शो में हर किरदार भी अपने अपने लेवल पर इवॉल्व हो रहा है ना, हर कोई वैसा ही नहीं है जो शो के शुरुआत में था, हर एक का कैरेक्टर स्टोरी के हिसाब से अपने हिसाब से इवॉल्व होते जा रहा है, एंड वो प्रोग्रेशन दिख रहा है हर कैरेक्टर का, दिख रहा है एवरी सिंगल कैरेक्टर. थैंक्स मैम. विजुअल मार ले राजेश, विजुअल मार ले, विजुअल मार ले. मैम इधर, मैम इधर, थैंक यू. मैम बोल ले, बोल ले यार, मैम इधर. आज भी कैमरा के लिए